नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आज की टॉप 10 की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने लॉन्च की अग्निपथ भर्ती योजना, बसपा सपा और निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल। भाजपा की महिला मुस्लिम पार्षद का इस्तीफा। बाड़मेर में आफत की बारिश। चीन भी पैगंबर विवाद में घुटा। रूसी सेना ने यूक्रेन में मनाया रूस दिवस। शरारती तत्वों के बहकाने पर पुलिस पर किया गया हमला। कुशीनगर में बड़ा सड़क हादसा। दिल्ली में 4 दिन तक बारिश की संभावना। सामने आई सलमान खान को धमकी देने के पीछे की कहानी। ये थी आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। सेना भर्ती के लिए सरकार की ओर से अग्निपथ भर्ती योजना को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके तहत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों यानी युवाओं की भर्ती की जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में विपक्ष के 3 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं। इनमें बसपा विधायक संजीव सिंह, सपा विधायक बबलू शुक्ला और निर्दलीय विधायक विक्रम राणा ने भाजपा की सदस्यता ली है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में राजस्थान भाजपा की एक महिला पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तब्सुम मिर्जा कोटा में वार्ड 14 की पार्षद है। उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और जिला अध्यक्ष कृष्णा कुमार सोनी को इस्तीफा भेजा है। प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि प्री मानसून की बारिश गर्मी से निजात दिलाएगी, लेकिन बाड़मेर में बारिश आफत लेकर आई। बाड़मेर के चौहटन कस्बे सहित सरहरी गांव में मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बरसात का दौर शुरू हो गया। मूसलाधार बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया और सड़कें जलमग्न हो गई। पहाड़ियों से तेज बहाव के साथ आए पानी में कई वाहन बहते नजर आए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 2 निलंबित पदाधिकारियों की विवादास्पद टिप्पणी के बाद शुरू हुए विरोध और बयानबाजी की आंच अब चीन तक पहुंच गई है। चीन ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। चीन ने पैगंबर विवाद को लेकर कहा कि वह मानता है कि अलग अलग सभ्यताओं धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और बराबरी के स्तर पर साथ रहना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध के 110वें दिन रूस के कब्जे वाले दक्षिणी यूक्रेन में क्रेमलिन द्वारा तैनात अफसरों ने रूस दिवस मनाया। रूसी अफसरों ने मेलितोपोल शहर में उन निवासियों को रूसी पासपोर्ट भी जारी करना शुरू कर दिया। अटाला में जुमे की नमाज के बाद हिंसा यूं ही नहीं बढ़ती थी। इसके लिए न सिर्फ पहले से साजिश रची गई थी, बल्कि मौके पर भी जानबूझकर उकसाने वाली कुछ ऐसी बातें की गई जिससे भीड़ हमलावर हो जाए। कुछ शरारती तत्वों ने खासतौर पर पुलिस को निशाना बनाने को कहा था। इससे उग्रवी और उग्र हो गए और पत्थर के साथ बम गोलियां भी चलानी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से 31 की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली में बीते कई दिनों से गर्मी व लू के प्रकोप से राहत नहीं मिल रही है। सोमवार को भी तेज गर्मी व लू का सितम जारी रहा। हालांकि बुधवार से हल्की बारिश राहत लेकर आ सकती है। बुधवार से शनिवार तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिश्नोई गिरोह ने अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए दी थी। वह डर का माहौल बनाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर से पैसे वसूलने की तैयारी कर रहे थे। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।